नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की बड़ी खबरों। सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के कारण नहीं पेश हो सके, जिसके लिए अदालत ने अगली सुनवाई 7 जून की तय की है। अमेठी के सभी थानों में अपने अपने थाना क्षेत्र में बैंक शाखा, एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आसपास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। अमेठी के जामो पावर हाउस में बिजली सप्लाई के लिए लगे हुए ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए युवक पानी से बाल्टी भरकर फेंक रहा है, जिससे बड़ी घटना हो सकती है। अगर ऐसे में पानी में करंट उतर आया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अमेठी में तिलोई तहसील के अंतर्गत मोहनगंज थाना इलाके के दो पुलों के क्षतिग्रस्त होने से आने जाने में जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। आपको बता दें कि राजा मऊ पुल बीते 6 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक स्ट्रक्चर बनकर नहीं तैयार हो सका। अमेठी में कमरौली थाना इलाके के रोड नंबर 4 और रोड नंबर 1 पर सड़क के किनारे अतिक्रमण को यूपी सीडा के अधिकारियों द्वारा जेसीबी लगाकर हटवाया गया। अमेठी में फायर सर्विस विभाग ने जाफा कोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर के कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूक करते हुए आग लगने के कारण और बुझाने के तरीके के बारे में बताया गया। अमेठी के उप संभागीय परिवहन कार्यालय में गर्मी से परेशान जनता के लिए बैठने और पेयजल की व्यवस्था नहीं, जबकि दलालों का ऑफिस में डेरा लगा रहता है। बाहर से आने वाली जनता को बोतल का पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमेठी पुलिस कार्यालय गौरीगंज में पुलिस अधीक्षक द्वारा जन सुनवाई के दौरान आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनको समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया गया। अमेठी सहित प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर मोबाइल न चलाने के लिए निर्देश लिखा होता है, जबकि ठीक उसी के नीचे ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करने का स्कैनर रखा होता है। अब सवाल ये उठता है कि बिना मोबाइल चलाए डिजिटल पेमेंट कैसे किया जाए। बहराइच पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद परिवार परामर्श केंद्र में दो परिवारों के बीच चल रहे विवाद को सुनकर सुलझाते हुए परिवारों को टूटने से बचाया गया और सभी को एक साथ रहने के लिए तैयार किया गया। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के तालाब में गर्मी से परेशान बच्चों के साथ अटखेलिया करते हुए वनराज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook के माध्यम से जुड़े तो पेज को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।